गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम पढ़ाई से प्रतियोगिता तक के अंतर्गत इस वीडियो में जीवों की अनुकूलता के बारे में जानेंगे बच्चों जिस प्रकार हम अपने आप को अपने घर में सुरक्षित तथा आनंदित महसूस करते हैं उसी प्रकार ही जीव जंतु अलग अलग जगह पर रहते हैं कोई भी जीव उसी स्थान पर रहना पसंद करता है जहाँ उसे पर्याप्त सुरक्षा भोजन तथा अनुकूल वातावरण मिलता है बास स्थान के अंतर्गत जीवों को चार भागों में बाँटा जाता है पहला थलचर कुछ जीव स्थल पर पाए जाते हैं जैसे चूहा शेर मनुष्य कुत्ता बिल्ली आदि इन्हें हम थलचल कहते हैं अर्थात जो जीव जमीन पर चलते हैं उन्हें हम थलचल कहते हैं दूसरे प्रकार के जीव होते हैं जलचर कुछ जंतु जल में पाए जाते हैं जैसे मछली इन्हें हम जलचर कहते हैं तीसरे तरह के प्राणियों को हम कहते हैं नभचर ऐसे प्राणी जो आकाश में उड़ते हैं क्योंकि आकाश को हम क्या कहते हैं नभ और चर माने विचरण करने वाले यानी कि उसमें घूमने वाले रहने वाले यानी कि जो जीव आसमान में उड़ते हैं उन्हें हम नभचर कहते हैं जैसे कौआ गौरैया चील आदि अब आते हैं चौथे प्रकार के प्राणियों के लिए जिन्हें कहते हैं उभयचर उभयचर ऐसे प्राणी होते हैं जो जल और थल दोनों ही भागों में निवास कर सकते हैं जीप जहाँ रहता है उसी के अनुकूल क्रिया करता है उसे अनुकूलन की क्रिया कहते हैं जिसमें सभी जीव अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए और अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करते हैं और उसी माहौल के अनुरूप अपने आप को ढाल लेते हैं जिस प्रकार जलीय पौधे कुमुदनी कमल हाइडीला सेवाल ये सब ऐसे पौधे हैं जो जल में पाए जाते हैं तो इनमें कुछ विशेषताएं है होती हैं जैसे कि इनकी जड़ें या तो कम होती हैं कोमल होती हैं या तो अनुपस्थित होती हैं तना कमज़ोर पतला लंबा और ये पानी के ऊपर तैरने वाला होता है क्योंकि इसके अंदर वायु कोष्टक बने होते हैं पत्तियाँ बड़ी बड़ी मोटी और स्पंजी ऊतक की बनी होती हैं इनकी पत्तियों की सतह पर मोम जैसा रसायन होता है जिससे ये पानी में गीली नहीं होती हैं इसी प्रकार जलीय जंतु भी अपने आप को जल में रहने के अनुकूल बना लेते हैं इनके शरीर पर सल्क होते हैं और ये सांस लेने के लिए क्लोम या फिर गिल का प्रयोग करते हैं जो इनके गले में होते हैं ये पानी को पीकर और उसमें से ऑक्सीजन को निकाल लेते हैं और इनका जो शरीर होता है वो होता है धारा रेखीय और इनके चपटे पंख होते हैं जो इन्हें पानी में तैरने के लिए सहायक होते हैं अब बात करते हैं स्थलीय जंतुओं के अनुकूलन की स्थलीय जंतु जो ज़मीन पर चल सकते हैं जैसे कि बिल्ली शेर बकरी ये सब आ, अपने आप को स्थल में रहने के अनुकूल बना लेते हैं और इनमें सांस लेने के लिए फेफड़े होते हैं और प्रचलन के लिए पैर भी होते हैं जैसे इंसान के दो पैर होते हैं और जानवर चार पैरों से चलता है और इसी प्रकार स्थलीय वृक्ष भी अपने आप को स्थल पर रहने के अनुकूल बना लेते हैं इन वृक्षों के तने मजबूत होते हैं और पत्तियां चमकीली और चौड़ी होती हैं इनमें रंध होते हैं जिनके द्वारा यह गैसों का आदान प्रदान करती है यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण के समय लेती है और ऑक्सीजन गैस हमें देती है इनकी जड़ें भी अधिक विकसित होती हैं कुछ जीव जो मरुस्थल में पाए जाते हैं मरुस्थल यानी कि रेगिस्तान जहाँ पर पानी बहुत कम होता है और धूप बहुत तेज जिससे कि वहाँ की बालू बहुत गर्म हो जाती है ऐसी परिस्थितियों में रहने के लिए ऐसे जानवरों में जल संचय के लिए एक अलग से अंग होता है जैसे ऊँट में वर निकला हुआ होता है जिसमें वह जल को संग्रह कर लेता है इनकी त्वचा खुरखुरी होती है और इनके पैर गद्दीनुमा होते हैं जिससे कि ये आराम से रेत में दौड़ सकते हैं इसीलिए इन्हें रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है मरुस्थलीय जीवों की तरह ही मरुस्थलीय पादपों में भी कुछ विशेषताएं है होती हैं जैसे उनका तना चपटा हरा और स्पंजी होता है जो भोजन बनाने के साथ साथ जल का भी संचय करता है जड़ तंत्र अत्यधिक फैला हुआ होता है और भूमि से जल प्राप्त करने के लिए अधिक गहराई तक गया होता है क्योंकि मरुस्थल में जल जो होता है बहुत ही नीचे पाया जाता है इसलिए उसकी जड़ें भी बहुत गहराई तक जाती हैं जिससे उन्हें जल मिल जाए और बाष्पीकृत की क्रिया आ, को कम करने के लिए पत्तियाँ जो होती हैं कांटे के प्रकार की होती हैं पत्तियों के रंध जिन्हें पर्ण रंध कहा जाता है वे गड्ढों में धसी हुई होती हैं जिससे बाष्पोत्सर्जन कम हो इस प्रकार के पौधे नागफनी एरोवेरा सतावर आदि होते हैं यदि हम जलीय अनुकूलन और स्थलीय अनुकूलन में अंतर देखें तो हम पाते हैं नंबर एक जलीय जंतुओं का आवास नदी तालाब झील झरना समुद्र होते हैं जबकि स्थलीय जीवों का आवास वन घास के मैदान पर्वत, रेगिस्तान बर्फीले ध्रुव आदि होते हैं जलीय जीव प्रायः जल में घुली हुई ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं जबकि स्थलीय जीव गैसीय ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं और जलीय जीव जो होते हैं उनमें गल फड़े होते हैं जिससे वह श्वसन करते हैं जबकि स्थलीय जीव श्वसन फेफड़ों के द्वारा करते हैं जलीय जीवों की त्वचा में शल्क पाए जाते हैं जिससे कि उनके त्वचा पर जल का प्रभाव नहीं होता परंतु स्थलीय जीवों में विभिन्न प्रकार की अनुकूलताएँ पाई जाती हैं जैसे पहाड़ों पर पाए जाने वाले जीवों की अनुकूलता अलग होगी और मरुस्थल में पाए जाने वाले जीवों की अनुकूलता अलग होगी जलीय जीवों में वायुकोष पाया जाता है जबकि स्थलीय जीवों में वायुकोष हो भी सकता है और नहीं भी अनिवार्य नहीं है कि उसमें वायु हो जलीय जीव का शरीर प्रायः धारा रेखीय होता है जिससे कि वे जल में आराम से तैर सकते हैं जबकि स्थलीय जीवों का शरीर प्रायः धारा रेखीय नहीं होता है उनके शरीरों की आकृति अलग अलग होती है कुछ जीव ऐसे होते हैं जो जल में भी रह सकते हैं और थल में भी इन जीवों को हम उभयचर प्राणी कहते हैं जैसे कि बत्थक मेढक आदि इनके शरीर की संरचना ऐसी होती है जो ये जल में तैर भी सकते हैं और ठल में रह भी सकते हैं जैसे कि मेढक के पीछे के पैर में पात जाल लगा होता है जिससे कि वे जल में तैर लेते हैं और उनके पैरों में लंबी मांसपेशियां होती हैं जिससे वे ज़मीन पर कूद सकते हैं इसके अतिरिक्त उन जब ये जल में होते हैं तो ये अपनी त्वचा से श्वसन करते हैं और जब ये स्थल पे होते हैं तब ये फेफड़ों के द्वारा श्वसन क्रिया करते हैं इस प्रकार ये जल और थल दोनों में रहने के अनुकूल होते हैं बाइबीय है जीव वे कहलाते हैं जो वायु में उड़ सकते हैं इन्हें हम नपचर भी कहते हैं पंछियों और कीटों का शरीर जो होता है वो वायवीय वातावरण के अनुकूल होता है कीटों के शरीर में उड़ने के लिए पंख और श्वसन रंध रहते हैं जिससे शरीर में हवा भरती और निकलती है जिसके कारण उनका शरीर हल्का हो जाता है और वे हवा में उड़ सकते हैं जैसे तितली मक्खी मधुमक्खी आदि जबकि पंछियों का शरीर नौकाकार तथा धारा रेखी होता है यानी कि मध्य में चौड़ा होता है और शुरुआत और अंत में चक्रा होता है इनका अग्रपात जो होते हैं वो पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं और पीछे इनकी एक पूछ होती है जो उड़ने में इन्हें सहायता करती है इनकी अस्थियाँ खोखली होती हैं जिससे कि इनका शरीर हल्का रहता है और फेफड़े में जब ये उड़ते हैं तो बायोकोष के अंदर हवा भर लेते हैं जिससे इन्हें उड़ते समय इनका शरीर हल्का हो जाता है इस प्रकार ये ए, पंक्षी वायु में रहने के अनुकूल हो जाते हैं जैसे तोता कबूतर गौरैया और अन्य पंक्षी जो आपने उड़ते हुए देखे होंगे आशा करते हैं आपको जीवों की अनुकूलता समझ में आई होगी धन्यवाद